जी, तो आप आर के लिए तैयार होंगे और आर विद अमार के साथ आपको दोबारा से मैं खुश आमदेद कहता हूँ। अब जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, ऑफ कोर्स जो लोग अभी इस वक्त मेरे साथ मीटिंग में उनके लिए भी नहीं है और बाकी लोगों के लिए भी नहीं है। आपने आर को इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन शुरू कहाँ से करें आप? बिल्कुल शुरू कहाँ से करें? और जो एक मंजा हुआ डेटा एनालिस्ट या डेटा का खिलाड़ी होता है, वो हमेशा बिल्कुल शुरू वहां से करता है ताकि एंड पे मसले मसाइल ना हो। And that is how to start a project, how to manage a project, and how to save everything in that project. यानी कि अगर आप एक ही पीसी के अंदर आर का फोल्डर बना रहे हैं, आर की वर्कस्पेस बना रहे हैं, आर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो सारे का सारा मवाद उसी के अंदर हो, ताकि अगर आपने वो प्रोजेक्ट किसी को भेजना है या अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना है, सो दोज पीपल कैन एक्चुअली टेक दिस एज अ जिप फोल्डर और वो सारे का सारा काम वहां पे अपना जो है वो कर लें। अब स्क्रीन आपके सामने मैं लेके आता हूँ एंड यू विल सी नाउ कि हम कैसे इस चीज को देख सकते हैं। यहां पे आपके सामने है जी आर, आपके सामने चल रहा है, ठीक है। ये है जी हमारा आर स्टूडियो, ठीक है। पहले इसके इंटरफेस की बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये इसका इंटरफेस है और यूजुअली आप देखते हैं कि आपके पास तीन विंडोज आती हैं। एक ये वाली विंडो है यहाँ पे, जहां पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, और ये वाली जहां पे मेरा कर्सर, ये सेकेंड विंडो है, ये थर्ड विंडो है। एक और विंडो आती है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये नई विंडो ओपन हो जाती है यहाँ से यहाँ पे। सो हमारे पास चार विंडोज होती हैं। यहाँ पे आप कोई भी कोड लिखते हैं इस जगह पे, यहाँ पे आप इसको एज ए कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल को कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है, कंसोल है, और कोई बैकग्राउंड जॉब्स वगैरह हैं तो वो भी आप देख लेंगे। यहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, कनेक्शंस एंड ट्यूटोरियल्स होते हैं। अगर किसी ने आर सीखना है तो यहाँ पे बिल्ट इन ट्यूटोरियल्स हैं उसके, जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होते हैं। और यहाँ पे आपके जितने भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे, प्लॉट्स नजर आएंगे, पैकेजेस जिनको हम लाइब्रेरीज बोलते हैं, विच वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एंड यूज इन दिस कोर्स, वो आएंगे। हेल्प का आएंगे, यहाँ पे व्यूवर आएगा अगर आप कोई इंटरेक्टिव प्लॉट्स बना रहे हैं जिन पे आप कर्सर से भी जाके देख सकें। आप आर में प्रेजेंट भी कर सकते हैं चीज़ों को, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। इफ यू डोंट नो दिस इज यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन। तो ये एक दो तीन चार विंडोज हैं। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से बंद। पहला काम हमारा ये है कि जहां पे आर की सारी फाइल रखनी है ना, उसको एक दफा हम सेट कर लें। जैसे कि मैंने यहां पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, ये एक यहां पे एक नया फोल्डर बनाता हूं 03, यहां पे मैं रख देता हूं आर ट्रेनिंग, ठीक है। सो यहां पे मैं इसको ओपन करता हूं। अब यहां पे हमने बिल्कुल सीरियस स्टार्ट करना है। सो मैं क्या करता हूं, हमेशा एक नया फोल्डर बना के इसको मैं बोलता हूं 01 बेसिक्स। इससे क्या होगा, मुझे पता होगा जो मैंने बेसिक्स की ट्रेनिंग देनी वो यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप उस प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस, मेटा डेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू और वट एवर यू आर डूइंग, राइट। मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं आर स्टूडियो यहाँ से ओपन करता हूँ, अगेन आर स्टूडियो ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले एक वर्क स्पेस बनानी है। वर्क स्पेस कैसे बनानी है, आप यहाँ पे चेक करें कि प्रोजेक्ट आपके पास कोई नहीं है अभी, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट आप बनाएंगे ये राइट साइड पे जाने के बाद, न्यू प्रोजेक्ट इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यू विल सी नाउ कि आपके पास इस तरीके से एक विंडो आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, वो लोग जो लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं उनके लिए। तो ये न्यू डायरेक्टरी है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ रही है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट डाउन इन द स्क्रीन। नजर आ रही है सभी को? यस yes. तो जिनको नहीं आ रही उनका अपना इशू होगा कोई इंटरनेट का। यहां पे चेक करें, न्यू डायरेक्टरी है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है एंड वर्जन कंट्रोल है सिस्टम, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपका फोल्डर पहले से नहीं बना तो आप बोलेंगे न्यू डायरेक्टरी, यहां से ही आप डायरेक्ट फोल्डर भी बन जाएगा आपका उसका। क्योंकि हमारा फोल्डर बना है, मैं एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और मेरा जो फोल्डर है उसमें जाके आर ट्रेनिंग आर बेसिक मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। उस फोल्डर को मैंने ओपन कर दिया। जैसे मैंने ओपन किया, नाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो नया सेशन ओपन हो जाएगा, यानी कि दूसरा आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने कुछ इसमें किया ही नहीं है। सो आई विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। जैसे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, यू विल सी कि यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की वर्किंग डायरेक्टरी और सारा कुछ चेंज हो गया और ये आपके सामने एक प्रोजेक्ट बन गया। यही प्रोजेक्ट अगर आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको बेसिक्स का, ऐसे ही है ना।
सो ये आर प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अहम है। और दूसरी चीज, यहीं पे आपने कुछ फोल्डर्स बना लेने हैं। पहला फोल्डर आपने जो बनाना है, आप आर स्टूडियो से भी बना सकते हैं और आप डायरेक्टली यहां पे जाके भी, मैं आर स्टूडियो से बनाता हूं। यहां पे न्यू फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूं, अच्छा जूम इन जूम आउट करने के लिए आप कंट्रोल और माइनस या प्लस का बटन दबाएंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल प्लस दबाया, यहां पे फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, नया फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ डेटा, ठीक है। इसमें सारा डेटा होना चाहिए, इस फोल्डर में सारा डेटा होना चाहिए, राइट। दूसरा हो जाएगा आउटपुट, इसमें आपके सारे प्लॉट्स होंगे जब भी आप कोई बनाएंगे, और सारे के सारे प्लॉट आप इसमें सेव करेंगे, ठीक है। जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बेसिक इसी डायरेक्टरी में रहने चाहिए, यानी कि स्क्रिप्ट्स यहीं पे होंगे। स्क्रिप्ट का मतलब है आपकी कोडिंग जो आपने की है, डेटा यहां पे जाएगा, आउटपुट यहां पे होगी। अब ऑफ कोर्स ये जो डेटा है इसमें आपने ऑलरेडी कोई डेटा रखना है, ठीक है। वो कौन सा डेटा होगा जिसको आपने एनालाइज करना है। आउटपुट में आर से एनालिसिस के बाद आपके रिजल्ट्स या फिगर्स आएंगी, ठीक है। अब आउटपुट के भी अंदर मैं दो किस्म की आउटपुट्स बनाने को पसंद करता हूँ, पहली होती है फिगर्स और दूसरी होती है टेबल्स। कभी कभार आपको टेबल्स भी चाहिए होते हैं, फिगर्स एंड टेबल्स। सो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ आउटपुट के अंदर, आउटपुट पे क्लिक किया, यहाँ पे फोल्डर पे आया, मैं इसको बोल देता हूँ फिगर्स, दूसरा इसी में बना देता हूँ टेबल्स, ठीक है। और ये एक हायरार्की आपने मेंटेन करनी है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, देन आई विल गो बैक, सॉरी ये टू डॉट्स पे, तो ये मैं वापस आ गया, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आ गई, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी कि किस तरीके से आपके पास जो है वो आर स्टूडियो की जो विंडो है वो काम करती है, ठीक है। अब यही काम यहां पे हो रहा है, इससे आप एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं यहां से इसको आर स्टूडियो को बंद करता हूं, बंद हो गया आर स्टूडियो। अब अगली चीज देखिएगा, मैं यहां से दोबारा आर स्टूडियो को ओपन करता हूं, एंड हियर यू गो, इट विल ओपन द सेम डायरेक्टरी एवरी टाइम यू विल ओपन दिस प्रोजेक्ट। समझ रहे बात की? उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा यह हुआ कि जब भी आप इस पे काम कर रहे हैं ये आपके सामने इसी तरीके से नजर आएगी। अब आपको एक मजे की चीज बताऊं, टूल्स में जाएं आप, यहां पे आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, विच वी विल सी इन अ मिनट। और आपके पास यहां पे शॉर्टकट की हेल्प्स पड़ी है, यहां पे आप क्लिक करेंगे, ये सारे शॉर्टकट्स हैं जी, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह जो आप आर के अंदर यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनका प्रिंट लेके अपने पास रख लें देन यू विल वर्क रियली फास्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एडिंग्स और बाकी चीजें आएंगी विच वी विल सी इंशाल्लाह इन अपकमिंग डेज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? सो ये है जी हमारे पास विंडोज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नहीं ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बनाना होगा और प्रोजेक्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर किसी को प्रोजेक्ट ये वाला चाहिए होगा, आप यहीं से इसको कॉपी करेंगे और उस बंदे को भेज देंगे, एंड दिस विल वर्क एग्जैक्टली इन अ सिमिलर फैशन जो आपके पास कर रहा था, ठीक। ये हो गया प्रोजेक्ट।